देखो इन्होंने कहा है लेट ए बी एफ सेट दिस, तो ए क्या हो गया -1 से 1 तक और बी भी यही है, एंड सी क्या क्या रखा है इन्होंने ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इस तरह से ना थोड़ा दिक्कत होती है, अगर ऐसे लिख लो तो ज़्यादा आसान रह जाता है। एस दे रखा है इन्होंने एक्स वाई बिलोंग्स मतलब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन दे रखी है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ ऑप्शन दे रखा है एस डिनोट्स अ फंक्शन, एस फंक्शन को डिनोट करेगा फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी पर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ना एक सर्कल होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ कहाँ से कहाँ तक है ए से बी तक, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे -1 से 0 तक, यानी कि -1 से 1 तक, और बी यानी कि जो इसका आउटपुट सेट है वो भी क्या आएगा -1 से 1 तक आ सकता है। देखो -1 से 1 तक अगर वेरी कराओ तो एक -1 से 1 तक कुछ भी आ सकता है, तो इसमें क्या होगा x की एक वैल्यू के लिए दो अलग अलग वो आ रहे हैं तो ये फंक्शन तो होगा नहीं, तो s डिनोट्स अ फंक्शन, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर s डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम a टू c, अब a टू c तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ a क्रॉस b भी रखा है, ये भी क्या हो गया हमारे पास इसमें गलत हो गया। अब आए थे s नॉट, s नॉट भी क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और a से c दे रखा है, a से c तक, c क्या हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा जो आउटपुट है वो क्या 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन है। तो s नॉट क्या है फंक्शन हो गया कहाँ से लेके a से लेके c तक, क्योंकि अगर इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो केवल एक ही जगह कट करें। f एक फंक्शन है a से b पर गिवन बाय f 3 टाइम्स ऑफ fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 4, 3 की पावर fx प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 4 इज अ बाइजेक्शन, देन ये बाइजेक्शन दे रखा तो किसको सेटिस्फाई करें। एक काम करते हैं इनमें ना इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, पहले यहाँ ना एक 0 रख के देखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो 3 f 0, यानी कि हमने x को 0 रख दिया प्लस 2 की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 3 की पावर f 0, 2 की पावर 0 इज 1 तो और 4 माइनस 1 इज 3, तो ये क्या 3 f 0 कितना आ गया 1, ठीक है। देखो हमने इनपुट डाला था 0 और रिजल्ट आ रहा है 1, तो 1 ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 0 तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें आ रहा है 1, तो ये फिलहाल हो सकता है, ठीक है, इसमें देखें इसमें भी ये हो सकता है, तो f 0 पे बस एक कैंसिल हुआ है। अब एक काम कर लेते हैं इसमें एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये -3 और ये -2 है, इसमें -1 रख के देखें, x को -1 रखें तो 3 की पावर -1 प्लस 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 3 की पावर f -1 इज इक्वल टू 4 -2 आ गया, ठीक है, तो 3 की पावर f -1 और 4 -2 कितना हो गया 2। अब यहाँ से f -1 निकालना ये तो मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसी वैल्यू चूज़ करनी चाहिए जिससे ना ये क्या जाए वैल्यू फिट बैठ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं -2 रख लेते हैं, f -2 प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इससे क्या होगा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3f -2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 क्या f माइनस, अगर हम यहाँ से f माइनस 2 की वैल्यू निकाल लें तो कभी 0 आ सकता है क्या, ठीक है, जरा चेक करके देखो इस चीज़ को कि 0 बनेगी वैल्यू नहीं बनेगी, f माइनस 2 log 3 इज इक्वल टू log 0, अगर log तो 0 होता नहीं भाई, log 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन होता, यानी कि 3 की पावर कुछ भी कर ले 0 आ ही नहीं सकता था, ठीक है, सीधी सीधी बात थी। इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 होने पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अब देखो माइनस 2 होने पे रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख के देख लो माइनस 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास नन।